हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो इस मौसम में बच्चों को आई फ्लू हो रहा है उसमें हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चों को आई फ्लू ना हो, या फिर अगर आपके बच्चे को आई फ्लू हो गया है तो आप ऐसा क्या करें कि वो औरों तक ना फैले या और बच्चों तक ना फैले। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को, बड़ों को आई फ्लू की समस्या देखनी पड़ रही है और ये बहुत ज़्यादा घरों में हो चुकी है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहली बात कि जो बच्चों को आई फ्लू हो रहा है उसके किस कारण से हो रहा है। सबसे जो एक मौसम होता है ना, बारिश वाला, उमस वाला, इसकी वजह से आई फ्लू होता है क्योंकि उमस की वजह से हमारी आंखों में पानी आता है, चिपचिपी होती हैं और जिसकी वजह से हम उसे खुजलाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं और आई फ्लू हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपके घर में आपके बच्चों को आई फ्लू हो गया है या बाहर किसी को हो गया है और या आपके घर में किसी बड़े को हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए कि खासकर जब आपके बच्चे को हुआ है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे के हाथ जो है वो एकदम क्लीन रखने हैं हमको। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनको थोड़ी सी भी खुजली होती है ना तो फटाफट से आँख को खुजाने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुजाएंगे तो आँख के अंदर जख्म बन सकता है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आई वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर ड्रॉप्स वगैरह लेनी पड़ेंगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चों को आई फ्लू हो गया है तो आप उसके हाथों को बहुत ही अच्छे से क्लीन रखें, ध्यान रखें उसका। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना आई फ्लू का, मतलब मिनिमम 1 वीक के अंडर ठीक हो जाता है। तो 1 वीक तक आपको बच्चों का खास ध्यान रखना है। अगर उसको आई फ्लू हो गया है तो आप उसके हाथों को अच्छे से क्लीन करवाते रहें बार बार। और दूसरी चीज़ आपको जो करनी है कि बच्चे के नेल्स एकदम कटे हुए होने चाहिए, जो उनके नाखून है वो एकदम क्लीन होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बच्चे के नाखून कटे नहीं होंगे और वो कहीं खेल रहा है या थोड़े से बड़े नाखून हैं तो जब भी वो अपनी आँख पे हाथ लगाएंगे पहली बार तो जम्स जाएगा क्योंकि उसके हाथ गंदे हैं, उसके नाखून में मिट्टी है या फिर कीटाणु है। अगर उसके नाखून बड़े होंगे, क्लीन हैं, तो क्या हो सकता है जब वो खुजाएगा तो उसका नाखून हो सकता है आँख के अंदर लग जाए या खुजाने में कहीं ऐसी जगह लग जाए जिसकी वजह से आँख के अंदर जख्म बन जाए। तो ये दो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि बच्चे के हाथ जो हों वो एकदम क्लीन हो, ये आपको खास ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ कि बच्चे के हाथ के नेल्स एकदम कटे हुए होने चाहिए उस टाइम पे ताकि बच्चे को आँख से ज़्यादा और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चा जब भी बाहर जाता है तो ध्यान रखें कि आप उसको चश्मा पहना दें या फिर अगर बाहर किसी को हो गया है तो आप उसको उससे थोड़ा दूरी बना के रखें क्योंकि ये आई कॉन्टैक्ट से या फिर टच से फैलता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे को हो गया है तो आप उसको चश्मा पहना के ही बाहर ले जाएं। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप उसको 2-3 दिन स्कूल को अवॉइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रेगुलर उस टाइम पे स्कूल भेजो, 1 वीक के लिए कम से कम आप छुट्टी ले सकते हो और टीचर को या फिर प्रिंसिपल को आप बता सकते हो कि मेरे बच्चों को आई फ्लू जैसी समस्या हो गई है। नेक्स्ट चीज़ जो आप ध्यान रख सकते हो, जब भी आपके बच्चे को आई फ्लू होता है आप बच्चे की आईज को अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और कॉटन के कपड़ा उसके अंदर डिप करने के बाद अच्छे से आईज को क्लीन कर देना है। अगर आप कॉटन का कपड़ा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप रुई से बच्चे की आईज को क्लीन कर सकते हैं ताकि बच्चे की आँख से अंदर से लेके पूरी ऊपर तक क्लीन हो जाए ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा ना फैले और जल्दी से जल्दी ये इन्फेक्शन खत्म हो जाए और आपका बच्चा पहले की तरह हेल्दी और खेलने लग जाए। मतलब ये कुछ बेसिक से टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके बच्चे की आई फ्लू से बचा सकते हो या फिर अगर आपके बच्चों को आई फ्लू हो गया है तो आप ऐसे उसको क्लीन कर सकते हो, उसको थोड़े से समय में जल्दी से ख़त्म कर सकते हो। ये चीज़ सेम बड़ों पे लागू होती है। अगर आपके घर में किसी बड़े को भी ऐसे आई फ्लू हुआ है तो उस पर भी सेम प्रोसेस है कि अपने हाथों को क्लीन रखना है, नेल्स को क्लीन रखना है, आईज़ को गर्म गुनगुने पानी से क्लीन करना है, बार बार वॉश करते रहना है ताकि उनमें उमस की वजह से बार बार पानी ना आए जिसकी वजह से वो आई फ्लू ज़्यादा दिनों तक ना बना रहे। तो ये कुछ बेसिक सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं या फिर आपके घर में किसी को हो गया है तो आप उससे समस्या का हल कर सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।